नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नमस्कार, SW24 न्यूज मध्य प्रदेश पर आप सभी दर्शकों का नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं युवा नेता, दोनों की दोनों युवा नेतृत्व हैं और क्षेत्र में काफ़ी जमीनी स्तर पर इन दोनों ने कार्य किया है। मैं सबसे पहले अपने अतिथियों से हमारे दर्शकों का परिचय करवा दूं। हमारे बीच उपस्थित हैं NSUI से छात्र राजनीति को लेकर क्षेत्र के सुपरिचित चेहरे दीपक डंडीर जी, जो कि विजन न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर भी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच हमारे दूसरे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं रवि जायसवाल जी, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और इस समय प्रदेश कार्यकारिणी में भी वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। हम विगत कई एपिसोड से खरगोन में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर चर्चा कर रहे हैं, साथ ही हम कोरोना के कहर की भी क्षेत्र में चर्चा करते हैं और काफ़ी सुखद है कि अब खरगोन जिले में कोरोना के जो मरीजों की संख्या है वो 40 से भी नीचे आ गई है, यानी धीरे धीरे इस क्षेत्र में कंट्रोल हो रहा है। लेकिन हम काफ़ी कुछ इस क्षेत्र में कोरोना की भेंट चढ़ा चुके हैं और ये अगर मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना होती दीपक जी अगर हमारे यहाँ पर पहले से, तो काफ़ी कुछ हम इसको कंट्रोल कर पाते। आप जो संघर्ष किया जा रहा है, जन आंदोलन खड़ा हुआ है मेडिकल कॉलेज स्थापना को लेकर, आप शुरू से इसमें जुड़े हैं, एक तरह से हम कहें कि आप इसकी शुरुआत करने वाले एक समूह में शामिल हैं। क्या मुद्दा है ये और अभी तक की जो भी प्रोग्रेस हुई है संघर्ष समिति की, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आज हम संघर्ष को लेकर के कहाँ खड़े हैं, कितने और रास्ता हमको तय करना है कि मेडिकल कॉलेज खरगोन जिला मुख्यालय पर स्थापित हो सके। दीपक जी, खरगोन में मेडिकल कॉलेज के लिए पूर्व में प्रस्ताव 2001-2002 के समय भेजा गया था। तब तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव जी और बाला बच्चन जी के प्रयास रहे थे। डॉक्टर नीमा CMHO हुआ करते थे उस समय, उन्होंने एक प्रस्ताव बनाने का मादा उठाया था, प्रस्ताव बना भी था। 2003 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार चली गई, प्रस्ताव जहाँ के तहाँ रखा रह गया। उसके बाद किसी अन्य राजनीतिक दल ने या नेता ने, जनप्रतिनिधि जो भी रहे, उन्होंने कभी इस ओर ध्यान अपना दिया नहीं। हमेशा मैं अपने क्षेत्र में कुछ प्रतिष्ठान ले जाऊँ, मैं अपने क्षेत्र में कुछ साधन ले जाऊँ, वो उसमें लगे रहे। अभी पिछले गत वर्ष 2020 में डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री ने जो पत्र लिखा था कि खरगोन में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाना है, उस पत्र का हम लोगों को थोड़ा सा भान हुआ। हम लोगों ने उस पर चर्चा की तो चार लोग इकट्ठा हुए कि जब कॉलेज आना ही है वो क्यों ना खरगोन मुख्यालय पर आए। खरगोन मुख्यालय पर क्यों आए, इसके भी बहुत सारे कारण हैं जो कई हमारे बाद हमारे पहले जो भी जनप्रतिनिधि आए उन्होंने बताया भी है। हमारे पास हॉस्पिटल है, जिला मुख्यालय की सुविधाएं हैं, सारे अधिकारी कर्मचारी यहीं रहते हैं। लगभग हम झिनिया से 70 किलोमीटर पर हैं, भगवानपुरा से 50 किलोमीटर पर हैं, सेगाँव से 35 किलोमीटर पर हैं, भिकन गाँव से हम 43 किलोमीटर पे हैं और सनाओस से हम 70 किलोमीटर पे हैं। चूँकि राजनीति और दलगत राजनीति से परे हटकर हमने इस विषय को सोचा, बनाया, दिमाग बनाया, सभी लोग भिड़े तो पता चला कि वो तो महेश्वर के लिए प्रस्तावित था और महेश्वर के लिए बनाया गया था। तो महेश्वर के लिए मुझे अपने व्यक्तिगत संपर्कों से ये पता चला था कि महेश्वर के लिए जो कॉलेज की घोषणा की गई थी वो निरस्त हो चुकी है। मैंने अपने जरियों से उसके कागज निकालने की कोशिश की थी, कागज मिल नहीं पाए उस समय में। कल वो पत्र हमें प्राप्त हुआ, महेश्वर का कॉलेज निरस्त हो चुका है। अब इसको लेकर के हम लोग
माननीय सांसद जी से मिले, विधायकों से, सभी विधायकों से भी हमारी समिति ने संपर्क किया। लगभग 5 विधायकों ने हमें उसमें समर्थन भी दिया है कि जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होना चाहिए, और उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने प्रभारी मंत्री जी, कोरोना प्रभारी मंत्री जी से भी मुलाकात की, उन्होंने भी हमें आश्वस्त तो किया है। अब वो आश्वासन ही रहेगा या वो उसका परिदृश्य कुछ और होगा, ये आगे पता चलेगा। पर हम हमारी लड़ाई मेडिकल कॉलेज खरगोन में खोलने को लेकर के लड़ते रहेंगे जब तक कॉलेज ना खुल जाए। दीपक जी, आपने सारी वस्तु स्थिति जो थी मेडिकल कॉलेज को लेकर वो स्पष्ट की, और आपने ये भी स्पष्ट किया कि जब तक मेडिकल कॉलेज की यहाँ जिला मुख्यालय पर स्थापना नहीं होती, आपका संघर्ष जारी रहेगा। रवि जी, आप सत्ता पक्ष के संगठन यानी भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आप युवा चेहरा हैं, युवा मोर्चा के आप जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, वर्तमान में भी आप संगठन में कार्य कर रहे हैं। सत्ता पक्ष इस मामले को, जो कि लीगल है एक तरह से देखा जाए, हम भौगोलिक क्षेत्रफल देखते हैं कि यहाँ पे जिस प्रकार की जो जनता की आर्थिक स्थिति है, यहाँ जो रिमोट एरिया है, दूर दराज तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँच नहीं पाई हैं, आज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए बार बार इंदौर दौड़ना पड़ता है। यहाँ कुछ स्वास्थ्य संस्थान खुले भी हैं, लेकिन फिर भी वो सारे उपकरण और वो सारी सुविधाएँ नहीं हैं जो क्षेत्र की जनता के को मिलना चाहिए थी। तो क्या सत्ता पक्ष में का ये मत नहीं बनता, मुख्यमंत्री जी को नहीं चाहिए कि जैसे उन्होंने उज्जैन में जाकर के भूमि पूजन किया, वो खरगोन की भी घोषणा कर दें और ये जो संघर्ष चल रहा है इसको विराम दे दें? निश्चित तौर पर शहर के विकास के लिए, जिले के विकास के लिए, और जो हम समृद्ध मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआत हमें अपने शहर से करनी होगी, और उसके लिए हम लोग शुरू से, जब हम छात्र राजनीति के करते थे तब भी हम लोगों ने कृषि महाविद्यालय और चिकित्सा महाविद्यालय की मांग की है कि मुख्यालय पर चिकित्सा महाविद्यालय होना चाहिए। तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री साधो मैडम ने उस समय भ्रमित करके किस तरह से वहाँ पर सेंशन करवाया इसकी तो जानकारी नहीं, मगर अपने पद के प्रभाव से उन्होंने इस चिकित्सालय को महेश्वर प्रस्तावित करवाया और महेश्वर के लिए स्वीकृत करवाया। मगर महेश्वर कैसे जा सकता था जबकि हम सब जानते हैं कि जो सबसे पहली प्रायोरिटी है, अगर चिकित्सा महाविद्यालय खुलना चाहिए तो उसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारी जो है वो होना चाहिए कि वहाँ पर 350 बेड का चिकित्सालय होना चाहिए जो खरगोन मुख्यालय पर है। इसके अलावा खरगोन जिले में कहीं पर भी इतना बड़ा चिकित्सालय नहीं है, और उस चिकित्सालय के माध्यम से अगर यहाँ पर महाविद्यालय खुलता है तो यहाँ के छात्रों को भी उसका फ़ायदा मिलेगा, आसपास के व्यवसाय को भी यहाँ पर वृद्धि होगी, और हम जो ट्राइबल बेल्ट की बात कर रहे हैं, हमारे ट्राइबल बेल्ट में हम अधिकतम चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवा पाएंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर भी कार्य कर रही है और राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब मैं ये डिबेट को ओपन करता हूँ, अब हमारे दोनों अतिथि एक दूसरे से भी सवाल कर सकते हैं हमारे इस डिबेट के अगले चरण में। रवि जी, आपने जो कहा कि एक अपील सी की आपने अपने ही लोगों के लिए कि वो उन्होंने संगठन और सत्ता पक्ष में बैठे जो आपके लोग हैं उन लोगों ने इसके लिए जागरूक होना चाहिए, और ये आपने बताया कि लीगल ही है, संवैधानिक रूप से भी अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र की जनता या यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसको ऐसे उच्च चिकित्सा की व्यवस्था है, उच्च स्तर की, जो अभी यहाँ पर मैसर नहीं है। मैं वही आपसे बार बार पूछना चाह रहा हूँ, और एक अच्छी बात भी मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों पक्ष और विपक्ष धीरे धीरे एक मंच पे आ रहे हैं, ये आम जनता का और इस संघर्ष समिति का ही दबाव है, आप स्वयं भी उससे जुड़े हुए हैं और इस संघर्ष समिति में भी सभी दलों के लोग शामिल हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर शामिल हैं तो क्यों ना जल्द से जल्द एक प्रतिनिधिमंडल जाए, मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखे, और आम जनता की जो भी इच्छा है उनको एक सौगात के रूप में ये जल्द से जल्द मिल जाए। इस विषय पर जब जनहित की बात होगी तो मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दल एक मंच पर एकत्रित होते हैं, कोई भी जनहित के मुद्दे पर कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सामाजिक संगठन ये नहीं चाहता कि उससे जनहित का नुकसान हो, और जब जनहित की बात है तो हम सब लोग एकत्रित होकर हम हमारे शहर के विकास के लिए, शहर के नागरिकों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। रही बात, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी से हमारा प्रतिनिधिमंडल भेंट कर चुका है, हमने कोई भेंट नहीं हुई। रवि जी, रवि जी, रवि जी,
चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय जी के माध्यम से इस विषय पर चर्चा हुई है। बिल्कुल, सांसद जी माननीय केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जी को भी पत्र दिया है और उनका पत्र का जवाब भी आपको दे। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, रवि जी, सांसद महोदय की तरफ से कहा गया है लेकिन अभी तक पत्र नहीं है और स्थिति अभी तक उन्होंने स्पष्ट नहीं की, किसी भी सार्वजनिक मंच से उन्होंने स्पष्ट रूप से ये नहीं बोला। कांग्रेस बीते समय में उन्होंने जिला मुख्यालय पर चिकित्सा महाविद्यालय का होना ये लेटर दे चुके हैं, परंतु अभी तक सत्ता पक्ष के माननीय सांसद महोदय ने अभी तक कोई भी पत्र अपनी ओर से न तो समिति को दिया है न सरकार को दिया है। रवि जी, अगर समिति जब हमारे प्रभारी मंत्री जी से मिली थी, प्रभारी मंत्री जी से भी उस विषय पर आप लोगों ने चर्चा की थी, हम सबने चर्चा की, हमने की, सांसद जी उस समय भी हमसे दूर रहे। सांसद जी शुरू से कहते आए हैं कि खरगोन जिला चिकित्सा, आप उठाकर देख लें, उस दिन जब हम मुलाकात करने गए थे मीटिंग वाले दिन, आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के बाद जब हमारी मुलाकात हुई थी तो माननीय सांसद जी कन्नी काट रहे थे हमसे। वो कन्नी क्यों काट रहे हैं? सामने आए, लेटर दें या फिर प्रस्ताव बनवाने का कलेक्टर को बोले और प्रस्ताव दिल्ली भेजें, दिल्ली ले जाके बात करें। हम लोग जाने को तैयार हैं, मुख्यमंत्री से बात करने को हम तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ पूर्व जनप्रतिनिधि साथ में जाने को तैयार हैं, चलें और हमसे हमारे साथ जाकर के बात करें, हम उनको बताते हैं कि कैसे खुलेगा यहाँ चिकित्सा महाविद्यालय। महाविद्यालय को लेकर जो चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, हम भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और मैंने आपसे कहा कि इसी को लेकर माननीय सांसद जी ने चिकित्सा मंत्री माननीय हर्षवर्धन जी को भी जो पत्र लिखा था उसकी भी कॉपी आप लोगों के पास है, सभी के समक्ष उन्होंने हमने उस कॉपी को वो किया था कि ये वहाँ से पत्र आया है। रोकना चाहूँगा रवि जी, माननीय सांसद जी ने कोई पत्र नहीं लिखा है। मैं आपको उसकी कॉपी दिखा दूंगा। माननीय सांसद जी ने कोई पत्र नहीं लिखा है। माननीय सांसद जी को, माननीय सांसद जी को माननीय हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इंटीमेट किया है कि मैंने आपके क्षेत्र में एक कॉलेज दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने जो पत्र लिखा है वो पत्र की मैं आपको कॉपी दे दूंगा, आप दे देना। अभी तक तो कोई प्रस्ताव भी नहीं गया है। दीपक जी, रवि जी ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने पत्र दिया था जिसके पत्र के प्रति उत्तर में हर्षवर्धन जी ने उनको सांसद को इंटीमेट किया, इंटीमेशन दिया था। वो पत्र आज तक माननीय सांसद महोदय ने समिति के समक्ष क्यों नहीं रखा कि मैंने अपनी तरफ से ये पत्र लिखा था, उसके बाद सार्वजनिक किया गया? इस सवाल पर भी हम जाएंगे, लेकिन जैसे अभी रवि जायसवाल जी ने बताया कि वो उसके लिए पूरी तरह तैयार है कि अगर कोई प्रतिनिधि मंडल जाता है तो वो चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी, मैं बार बार इसी चीज़ को कह रहा हूँ कि इस समय जो प्रदेश शासन में जो सत्ता में बैठे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं या मुख्यमंत्री जी ने जो भूमिका उज्जैन मेडिकल कॉलेज को लेकर निभाई, और उनके पास मैं समझता हूँ कि ये सारी जानकारी प्रतिदिन पहुँच रही है और जल्द से जल्द हम यही चाहते हैं कि वो निर्णय लें और उनका जैसा उनकी जो छवि है प्रदेश में वो उसको बताएं। दीपक जी, जैसा अभी आपने कहा कि इस मामले को लेकर राजनीतिक जो दल हैं उसके बहुत से प्रतिनिधि हैं वो जो इकट्ठा हो रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल में जिनको कहा जाए जो सत्ता में है, जो पावर में है, वो कांग्रेस के हों या भाजपा के हों, जब उनसे ये बात की जाती है कि भाई आप एक मंच पे आकर के एक कोई एक संयुक्त वक्तव्य जारी करें जिससे आम जनता को तो राहत मिले कि हाँ हमारे जो निर्वाचित जो भी यहाँ से प्रतिनिधि हैं वो सब हमारे लिए जन भावनाओं के पक्ष में खड़े हुए हैं, एक आखिर दीपक जी ये क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं पांडे जी, इसमें माननीय विधायक चुमा सोलंकी जी ने पत्र खुले रूप से दिया है हम लोगों को, माननीय रवि जोशी जी ने दिया है, माननीय सचिन बिरला जी ने दिया है, माननीय केदार टावर जी ने दिया है। इन लोगों ने अपने पत्र हमको जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए दे दिए हैं। अब जिस दिन हमको लगेगा, अभी कोरोना काल चल रहा है, हम लोग कहीं एकत्र नहीं हो पा रहे हैं, पब्लिक में भी आमजन में भी हम अभी पूरी तरीके से नहीं पहुंचे हैं, आमजन में भी हम तब पहुंचेंगे जब कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा, उसके बाद हम लोग आमजन के पास भी पहुंचेंगे, आमजन को भी इसमें जोड़ेंगे, आमजन भी अभी हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन भी हमारे इस मुद्दे को लेकर के खरगोन में मेडिकल कॉलेज को खुलना चाहिए इसको लेकर के आमजन में भी बहुत उत्साह है। सारे लोग इसी बात को मान रहे हैं कि नहीं, ये पहल सबसे अच्छी है, इससे खरगोन को आगे बढ़ने में, खरगोन जिले को तरक्की मिलेगी। रही बात
जनप्रतिनिधियों के सामने आने की। कोरोना काल के बाद लगभग लगभग हम सभी लोगों को, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समिति हर व्यक्ति के पास जाकर के उन्हें आंदोलन में साथ देने के लिए प्रेरित करेगी। उस समय अगर वो नहीं आएंगे तो उनका खुला विरोध समिति की तरफ से और आमजन की तरफ से कैसे किया जाना है उसकी रचना हम बैठ करके कर लेंगे। मतलब इसमें किसी भी प्रकार से दलगत राजनीति से अलग हट के ये संघर्ष समिति पूरा निर्णय ले रही है। बिल्कुल, ये दलगत राजनीति से हटकर हम शहर के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। अच्छा दीपक जी, कुछ विरोधाभासी चीजें अभी देखने में आ रही है और एक तरह से ये हमारा सोचना है कि संघर्ष जो चल रहा है, जो जन आंदोलन खड़ा हो रहा है, उसके लिए भी ये जरूरी। अभी विगत दिनों एक प्रतिनिधि मंडल प्रभारी मंत्री से मिला था और मेडिकल कॉलेज को लेकर ही उनसे समर्थन मांगा था। अच्छी बातें होना चाहिए, लेकिन कहीं ये आवाज़ें भी ऊपर उठी कि इस चीज़ को लेकर के पहले से एक खुला निमंत्रण नहीं दिया गया, एक खुली सूचना नहीं दी कि संघर्ष समिति के कुछ लोग ये कार्य करने जा रहे हैं। और साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि वो तो कांग्रेस की कार्य समिति थी। इस चीज को इस चीज के लिए आपका थोड़ा सा विरोध करूंगा। ये संघर्ष समिति, मैंने पहले ही कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य कर रही है, ये किसी भी राजनीतिक दल विशेष के लिए कार्य नहीं कर रही है। और दूसरा, जैसे जो प्रतिनिधि मंडल मिला था उनसे, तो माननीय प्रभारी मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि जिला मुख्यालय पर ही हम महाविद्यालय खोलने के लिए प्रयास करेंगे। देखिए रवि जी, इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी है, हम वो सवाल पूछते हैं जो जनता से निकल कर आते हैं। और आप लोग जो दीपक जी एक सेकंड, आप लोग जो है जिम्मेदार लोग हैं और जब आप उसका उत्तर देते हैं तो आम जनता को संतुष्टि मिलती है कि हाँ ये जो चीज थी, क्योंकि ये सवाल अगर हवा में ही तैरते रहेंगे तो और संतुष्टि नहीं हो पाएगी तो कहीं ना कहीं एक विरोधाभास पैदा होगा। हम वही दीपक जी से, हाँ दीपक जी से हम वही जानना चाह रहे थे, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि संघर्ष समिति में ज्यादा से ज्यादा समन्वय और अनुशासन बना रहे। हाँ दीपक, संघर्ष समिति में अनुशासन है, सारे लोग एक दूसरे से हम पहले बात करते हैं, उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाता है। चूंकि प्रभारी मंत्री का आना था, हम अभी कोरोना काल के कारण ज़्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकते हैं, इसलिए 10 से 15 लोग, 20 लोग ऐसे इकट्ठे होते हैं जो आपसी में बात करने के बाद उस निर्णय पर पहुंचते हैं। कोई एक व्यक्ति हमारी समिति में निर्णय के अधिकार नहीं ले सकता, वो कोई अधिकृत नहीं है, किसी को अधिकृत किया भी नहीं गया है, न किया जाएगा। समिति 200 लोगों की होगी, 500 लोगों की होगी, 5000 लोगों की होगी, समिति एक ही रहेगी, उसमें सभी लोगों से मंतव्य, सभी लोगों के विचार सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। उनके साथ मिलकर के बात करने के बाद ही हमने ये निर्णय लिया था कि चूंकि बाबूलाल जी हमारे माननीय पूर्व विधायक जी हमारे साथ थे उस दिन, उनसे कहा गया कि वो आ रहे हैं प्रभारी मंत्री जी, आप उनसे समय ले लें, तो हम लोग जो 10-15 लोग अभी मिलना चाहते हैं, एक बार वो मिल करके उनको ज्ञापन तो दें, कम से कम उनको तो जहन में लाएं इस चीज़ को कि हम यहाँ हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमको भोपाल तक सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं आपकी लड़ाई को मुख्यमंत्री के सामने ले जाकर रखूँगा, उसके बाद कोशिश करेंगे कि खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज होना। इसमें दूसरा कोई व्यक्ति असंतुष्ट, देखो एक परिवार होता है, परिवार में एक दो लोग असंतुष्ट हो सकते हैं, पर उसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम उनको भी संतुष्ट करेंगे, उनको भी कभी परिवार से, संघर्ष समिति परिवार से अलग नहीं रखेंगे। दीपक जी आपने बहुत ही अच्छी बात बताई और एक बड़े सवाल का आपने जवाब दिया यहाँ पर कि ये जो प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था इसके लिए पूर्व विधायक बाबूलाल महाजन जी ने समय मांगा था प्रभारी मंत्री से, तो कहीं ना कहीं इस भेंट में भी समन्वय वही रहा, अनुशासन रहा, इसलिए आज ये जो मुद्दा उठ रहा था कि इसमें कांग्रेस के ज़्यादा लोग थे या वो जा करके क्यों मिले, तो ये स्पष्ट हो गया कि ये सूचना पूर्व विधायक भाजपा के जो थे बाबूलाल महाजन उनको दी गई और उन्होंने ही समझ लिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी तालमेल और समन्वय जो है संघर्ष समिति का वो दिखाई दिया। ज़्यादा होना पांडे जी, उसमें कांग्रेस का ज़्यादा होना या भाजपा का ज़्यादा होना मायने नहीं रखता। संघर्ष समिति में जो सदस्य उपस्थित थे, जो लोग वहाँ आ सकते थे वो आए, हम 10-20 लोगों की बात हुई थी क्या, उन लोगों को ही ले जाना था। समय अभी कोरोना काल का चल रहा है, परशुराम जी डंडीर भी वहाँ साथ में थे, दो पूर्व विधायक हमारे साथ में थे, तीसरा बीजेपी का या तीसरा कांग्रेस का कौन नेता था वो बता दें आप हमको।
तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि एक विधायक पूर्व थे, तो समन्वय बनाकर के ही काम किया जाएगा। समिति हमेशा समन्वय से ही चलेगी, और नहीं तो फिर समिति नहीं चल पाएगी। और हम उसी प्रयास में हैं कि सारे लोग अपना समन्वय बना करके और एक जाजम पर बैठ करके सारी बातें करें, और उसके बाद सर्वसम्मति से सारे निर्णय लिए जाएं। एक बहुत ही सार्थक संघर्ष इस समय जिला मुख्यालय खरगोन पर खड़ा हुआ है, एक जन आंदोलन जो पहले कभी नहीं देखा गया किसी भी यहाँ पे विकास या प्रगति के कार्य को लेकर, और उसमें समाज के सभी वर्ग के लोग, सभी राजनीतिक दलों के लोग मिले हैं। कहीं कुछ हल्की सी अगर खराश भी आती है तो यहाँ हमारे कार्यक्रम में जो भी प्रतिनिधि आते हैं वो पूरी तरह से उन सवालों का जवाब दे रहे हैं, और एक बहुत अच्छी चीज़ है। निसंदेह इससे जो समन्वय है वो लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर होगा। आज की ये सार्थक चर्चा अभी ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए SW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो। मैं जो खरगोन में अभियान छेड़ रखा है मेडिकल कॉलेज खोलने का, इसमें ये मानूंगा कि थोड़ा देर कर गए हम लोग। मेरी तन मन धन से इस संगठन को समर्थन है, और मैं चाहूँगा कि किसी भी कीमत पे हर हाल में मेडिकल कॉलेज चाहिए, उसके लिए मैं मेरी तरफ से सर्वस्व योगदान देने के लिए तैयार हूँ। खरगोन नगर में मेडिकल कॉलेज सिर्फ खरगोन ही नहीं पूरे ज़िले की जनता का अधिकार है, और इस आंदोलन के साथ हैं। जब तक मेडिकल कॉलेज खरगोन में शुरू नहीं होता मैं सक्रिय रूप से इस आंदोलन के साथ हूँ। खरगोन जिला मुख्यालय पर कॉलेज का होना अति आवश्यक है। हम लोग क्षेत्र के लिए आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आप सभी से निवेदन है, हम लोगों ने अगर ठाना है, हमने संकल्प लिया है, आम जन भी संकल्प ले, खरगोन मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज होना मतलब होना। क्षेत्र के विकास के लिए खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की नितांत आवश्यकता है, और खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खुलेगा, ये हम सबका संकल्प है, और हम संकल्प के साथ ये कहते हैं कि खरगोन जिला मुख्यालय पर हम मेडिकल कॉलेज लेकर आएंगे। खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना का स्वप्न हम सबका स्वप्न है। मैं इस संदेश के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे में जो भी प्रतिभा है, पूरी प्रतिभा हम इस मिशन में लगा दें और खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके ही दम लें। खरगोन मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज बनना ही चाहिए, और ये जब तक हम यह सोच नहीं करेंगे कि ये मेडिकल कॉलेज हम सबके लिए नहीं है, ये केवल मेडिकल कॉलेज मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए, इसी संकल्प दोहराएंगे, और इसी संकल्प को हम यदि निश्चित रूप से हमारे अंदर ये कर लेंगे कि ये मेडिकल कॉलेज सिर्फ मेरे ही लिए खुल रहा है, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। इस यही मेरा संकल्प है, और इसमें जैसी भी हम लोगों की मदद पड़ेगी इस आंदोलन में हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे, तैयार। मैं संजय चक्करवार मेडिकल कॉलेज खरगोन के समर्थन में अपनी बात कहना चाहता हूँ। बहुत हुई जिला मुख्यालय की उपेक्षा, जिला मुख्यालय खरगोन के लिए स्वीकृत मेडिकल कॉलेज खरगोन जिला मुख्यालय में ही खुले, इसी में पूरे जिले का और शहरवासियों का भला है। जय हिंद। मैं खुशी भावसर, मैं एक विद्यार्थी हूँ। खरगोन में जो मेडिकल कॉलेज बनने का जो आंदोलन चल रहा है, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। जब भी मेडिकल कॉलेज अगर बनेगा खरगोन में, तो हम उसका पूरा समर्थन करेंगे, और साथ ही कई लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे को भविष्य में देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, हम डॉक्टर बन सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से और शिवराज मामा से निवेदन है कि वो जल्द ही हमारा ये निवेदन स्वीकृत करें, और देश और हमारे खरगोन में मेडिकल कॉलेज जारी करें। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर। हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे मेहमान भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष रवि जायसवाल, NHI के छात्र नेता रहे और फिलहाल
विजन न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर दीपक सिंह डंडीर जी, आप दोनों का हम एक बार पुनः कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। दीपक जी, हम जैसा चर्चा कर रहे थे मेडिकल कॉलेज को लेकर, एक अनुशासित और एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है, धीरे धीरे हम उसका व्यापक स्वरूप देखते जा रहे हैं और इसका भविष्य भी दिख रहा है हमको कि काफ़ी व्यापक होगा। ये कोरोना काल के कारण ये सोशल मीडिया और फ़ोन पर संपर्क हो रहा है, लेकिन हजारों लोग इससे जुड़ चुके हैं और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं जो एक आम जनता की इच्छा शक्ति है ये नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी मैं फिर अपना सवाल दोहरा रहा हूँ कि सत्ता पक्ष में बैठे, विपक्ष में बैठे कुछ लोग आज भी, जो आज पावर में हैं निर्वाचित प्रतिनिधि, वो आज भी कन्नी काट रहे हैं। नहीं, इसमें कन्नी काटने वाला तो अभी ऐसा कोई, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। मैंने आप अभी रवि जी से जैसे सवाल किया था, वही सवाल मैं कर रहा हूँ कि सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं, आज एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो रहा है, खरगोन शहर के जनता के दिल की आवाज़ सामने आ रही है, तो उसको क्यों नहीं सुन रहे हैं? भाई मैं बात वही राजनीति की ही कर रहा हूँ। आज आपने कहा कि 5 विधायक जो हैं उनने समर्थन दे दिया है, 6ठे विधायक की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, सांसद जो हैं वो अभी पूरी तरह से अपने आप को साफ, मतलब स्थिति को साफ नहीं कर पाए हैं, राज्यसभा सांसद भी हमारे यहाँ हैं, एक कैबिनेट मंत्री हमारे संसदीय क्षेत्र में हैं प्रेम सिंह पटेल, इतना सारा हमारे पास पावर होने के बावजूद भी, राजनीतिक इच्छा शक्ति होने के बावजूद भी उसको अमल में क्यों नहीं लाया जा रहा? मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। इसको अमल में लाएंगे, अभी हम लोग, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बहुत मुश्किल से 20-22 दिन की पूरी ये सारी चर्चा है जिसमें मेडिकल कॉलेज को लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना था। हम सने सने धीरे धीरे उस ओर कदम बढ़ाते जा रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई एक नया कदम हमारा उठता है। प्रभारी मंत्री जी से मुलाकात होना, उसके बाद कॉलेज का निरस्तीकरण होना, उससे पहले कॉलेज प्रस्तावित होना, मेडिकल कॉलेज खरगोन में होना, उसका पत्र हमको मिलना, 5 विधायकों का हमको पत्र समर्थन में मिलना, व्यापक समर्थन जुटाने में थोड़ा सा समय लगता है। सांसद का नाम आपने अभी भी नहीं लिया। खरगोन जिले में आज तक वर्तमान तक दीपक जी, समर्थन में सांसद का नाम आपने अभी भी सांसद महोदय का भी हमें कोई खुले रूप से समर्थन पत्र प्राप्त भी नहीं हुआ है, चूंकि वो केंद्रीय सरकार के सांसद हैं, केंद्र सरकार ने ही इस प्रस्ताव को बुलवाना है, केंद्र सरकार ने ही स्वीकृति देना है। केंद्र सरकार 40% पैसा देती है और राज्य सरकार उसमें 60% का अपना अनुदान देती है, 100% तब दोनों सरकारें मिल करके उस प्रस्ताव पर अपनी चर्चा करें। उस प्रस्ताव को बनाने के लिए सांसद महोदय की ओर से अभी तक मुझे ज्ञात है जहाँ तक, वहाँ अभी कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, अपनी समिति के माध्यम से उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि वे जल्द से जल्द अपना एक पत्र हम लोगों को सौंपें, माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपें, माननीय स्वास्थ्य, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को सौंपें, माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपें और माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन तो कर सकते हैं कि आप यहाँ जमीन देखें। जमीन हम देने को तैयार हैं, हमारे पास 100 एकड़ बहुत बढ़िया जमीन है, समिति में हम उस प्रस्ताव को रखेंगे, समिति उस प्रस्ताव को अगर मान्य करेगी तो हम उस जमीन को लेकर के सांसद महोदय जी से भी बात करेंगे। हम लोगों ने पूर्व में जो जनप्रतिनिधि रहे, भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, सभी से चर्चा करने की कोशिश की है। अभी शुरुआत है, कोरोना काल समाप्त होते ही हम इसको व्यापक स्तर पर ले जाएंगे। पांडे जी, पहली बार हुआ है कि किसी मुद्दे को लेकर के दलगत राजनीति से हटकर एक अलग संगठन जिसको समिति एक तैयार हुई है और वो इस मुद्दे को आगे ला रही है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ही आम जन से, सारे नेताओं से, आम जन से निवेदन करूंगा कि वे जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर के हमारा समर्थन करें। भगवान ने चाहा तो हम जल्द से जल्द आप लोगों की व्यवस्थाओं को, चिकित्सीय व्यवस्थाओं को बृहद रूप देने का कार्य करेंगे। अब मैं एक बात और इसमें थोड़ा सा आपके
चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन लाल किले से बताया जाता है कि उन्होंने कहा था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की हर संसदीय क्षेत्र में एक कॉलेज देंगे, उसमें कुछ बातें आगे बढ़ी थी तो अपने यहाँ के हाँ संसदीय क्षेत्र को लेकर विरोधाभासी बयान आए थे, हाँ आए थे जी हाँ जी हाँ। अब उसमें इन्होंने फर्स्ट फेज में 7 कॉलेज स्वीकृत किए थे जिसमें दतिया, खंडवा ध्यान रखना आपने, मैं खंडवा के बारे में आपको फिर से बताऊंगा, रतलाम, शहडोल, विदिशा, छिंदवाड़ा और शिवपुरी, ये 7 कॉलेज पहले फेज में तैयार हुए थे। इसमें खंडवा का मैंने स्पेशल इसलिए बोला कि खंडवा जब हुआ था तब खरगोन का प्रस्ताव भी वहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ था। खरगोन का जो प्रस्ताव 2001 में बन के गया था उस प्रस्ताव को खंडवा के सांसद महोदय माननीय स्वर्गीय श्री नंद कुमार सिंह जी चौहान ने हाथों हाथ लिया, माननीय विजय शाह जी उस समय मंत्री हुआ करते थे, इन दोनों ने अपने प्रभाव क्षेत्र को मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया, प्रधानमंत्री जी से बात की और वो खंडवा मेडिकल कॉलेज ले गए। हमारे जनप्रतिनिधि अगर उस दिन सजग होते, जागृत होते तो खरगोन जिला मुख्यालय पर कॉलेज लाने में कोई भी बाधा नहीं आती। सेकंड फेज में एक कॉलेज हुआ सतना, वो भी चालू है। थर्ड फेज में 6 कॉलेज हुए हैं जिसमें राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली, इसमें एक कॉलेज बाद में और जोड़ा गया मुरैना। मुरैना कॉलेज जब खरगोन कॉलेज निरस्त किया गया उसके बाद जुड़ा है। अगर खरगोन का कॉलेज निरस्त नहीं हुआ होता तो मुरैना कॉलेज नहीं जाता, पर चूंकि वहाँ केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं वो अपने प्रभाव से मुरैना के लिए कॉलेज लेकर के चले गए। हमारे जनप्रतिनिधि उस समय भी जाग जाते तो जिला मुख्यालय के लिए कॉलेज लाने में कोई बाधा नहीं आती। मतलब दीपक जी आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि दो बार इस क्षेत्र की जनता के साथ यहीं के जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता के बाद में छलावा किया गया, निष्क्रियता रही, स्पष्ट रूप से छलावा किया गया यहाँ के क्षेत्र, बिल्कुल धोखे में रख रहे हैं, आज भी धोखे में रख रहे हैं कुछ जनप्रतिनिधि। मैं तो उन जनप्रतिनिधियों से भी कहूँगा कि वो धोखे में ना रखें, खुले रूप से समर्थन करें, क्योंकि इस आंदोलन ने वृहद रूप लेना है और आगे आपको हमसे वोट चाहिए, आपको परेशानी आएगी। रवि जी जैसा अभी दीपक जी ने स्पष्ट रूप से बताया उन्होंने कि फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में जो जो भी कॉलेज स्वीकृत हुए, खरगोन का पहले फेज में ही नाम था, माफ़ कीजिए दीपक जी, पहले फेज में ही नाम था, उस प्रस्ताव को दरकिनार करते हुए खंडवा को दे दिया गया, सेकंड फेज में उसे निरस्त कर दिया गया। खंडवा को नहीं दिया गया, खंडवा का अलग प्रस्ताव था, खरगोन का अलग प्रस्ताव था। मैं वही बोल रहा हूँ कि पहले में खरगोन के प्रस्ताव को दरकिनार कर, नहीं इसमें नहीं। इसमें मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, खरगोन के प्रस्ताव को खंडवा का बनाया गया और खंडवा ले जाया गया, फिर बता रहा हूं मैं, खरगोन के प्रस्ताव को खंडवा बनाया गया और खंडवा कॉलेज खुलवाया गया, उनके जनप्रतिनिधि जागृत थे। तो दीपक जी आप बोल रहे हैं कि दूसरे फेज में भी खरगोन ही था और उसको मुरैना ले गए, तीसरे फेज में भी खरगोन में ये जो महेश्वर वाला आया है, महेश्वर की स्वीकृति हुई थी, तीसरे फेज में महेश्वर के नाम से स्वीकृति आ चुकी थी, किसी कारणवश या जो भी उस समय के तत्कालीन परिस्थितियाँ रही, बजट में नहीं आया, इसलिए महेश्वर का MOU जो निरस्त का पत्र कल आया है उसमें MOU राज्य सरकार नहीं भेज पाई, MOU भेजने का कारण भी वही था कि महेश्वर में ना बने। अब चूंकि जिला मुख्यालय पे सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, आदिवासी अंचल पूरा लगा हुआ है, अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि कितने आदिवासी क्षेत्रों से आए हुए लोगों को ऑक्सीजन के लिए, इंजेक्शन के लिए, दवाई के लिए, बेड के लिए, भर्ती होने तक के लिए पैसे भी देना पड़े हैं और कई लोग मौत का ग्रास बने हैं। जी हाँ, कोरोना काल में सैकड़ों जाने के लिए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का फायदा उठाने के लिए बहुत लोग लग जाते हैं ऊपरी तौर पर, लेकिन सुविधाएं देने के नाम पर वो इस क्षेत्र से मुंह मोड़ लेते हैं। अभी दोनों सांसद आदिवासी
गजेंद्र सिंह पटेल कैबिनेट मंत्री भी आदिवासी, राज्यसभा सांसद सोलंकी जी दोनों आदिवासी हैं, पर उन्होंने अभी तक मेरे ख्याल से विगत 15 सालों में खरगोन जिले को राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से एक भी योजना, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, एक भी योजना बड़ी लाकर दी हो तो बताएं। दीपक जी आप सही कह रहे हैं, और इसके लिए दोनों राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। इसी आदिवासी क्षेत्र से भाई हम तो गृह मंत्री भी रहे हैं बाला बच्चन, तो इसी आदिवासी क्षेत्र से अनेक विधायक सुनकर के आए, अनेक महीने शासन में रहे, 15 महीने मात्र रहे हैं, 15 महीने में हमको फेंक दिया गया। मेरा वही सवाल रवि जी से होगा कि अनेक मंत्री रहे और दोनों पार्टियों के नेता रहे हैं, विजयलक्ष्मी साधो, बाला बच्चन, प्रेम सिंह पटेल, बालकृष्ण पाटीदार, ऐसे कई नाम है, सुभाष यादव, ऐसे कई नाम है, स्वर्गीय यादव जी, ऐसे कई नाम है जो इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं, और आदिवासी बहुल क्षेत्रों से निर्धारित है कि सीटें आदिवासियों की है, वही आते हैं, वही प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन ये एक आरोप है और ये एक सच्चाई भी है रवि जी, ये जो हॉस्पिटल का खरगोन से बार बार चले जाना, कहीं ना कहीं उस समय भाजपा के जनप्रतिनिधि बैठे थे, उन लोगों ने इस क्षेत्र को नज़रअंदाज किया, ये एक आरोप कांग्रेस पे भी है, मैं उससे उनको छोड़ नहीं सकता। लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो पिछले 15 वर्ष की हम बात करें तो भाजपा के जनप्रतिनिधियों की बनती है, आखिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई और आज स्थिति ये बन गई कि आम जनता को इस कोरोना काल में अपने जो नैसर्गिक अधिकार है, स्वास्थ्य का उनको जो एक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार के लिए उनको लड़ना पड़ता है। मैं ये सभी राजनीतिक दलों के लिए बोलूँगा कि एक बड़ी शर्मनाक स्थिति है। निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास में ज़रूर पिछड़ा है और कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधियों की जो निष्क्रियता है ये उसी का कारण हम कह सकते हैं। मगर पहले जब हम देखें तो 2004 से 2014 तक जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, उन्होंने कितने मेडिकल कॉलेज पूरे देश भर में स्वीकृत किए। जब वहाँ से कोई निर्देश नहीं प्राप्त होगा तब तक नीचे के जनप्रतिनिधि भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक ऊपरी तौर पर निष्क्रियता के साथ नहीं बिल्कुल 15 वर्ष में ये पिछले 5 सालों में जो हमने 7 सालों में जो हमने काम किया है वो 7 साल 15 वर्ष वो 7 सालों में हमने जो 15 वर्ष में काम किया है, मोदी जी के 7 सालों के काम की बात कर रहे हैं। सरकार रही 15 वर्ष प्रदेश में रही ना, हमने तो मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करना प्रदेश सरकार का काम नहीं है। राज्य सरकार क्या कर रही थी, राज्य सरकार जिला कलेक्टर से बोल करके मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव बनवाती, डॉक्टर माननीय डॉक्टर मनमोहन स्वीकृत करना यहाँ का काम नहीं है, नहीं देते स्वीकृत करना राज्य सरकार का काम नहीं है, स्वीकृति केंद्र सरकार से मिलती है। कितना मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए केंद्र सरकार ने 2004 से 14 के बीच में, आप ये बता दें मुझे। आपकी राज्य सरकार को ये भान नहीं था कि हम मेडिकल कॉलेज खोलें, मेडिकल कॉलेजों की कितनी मांगे गई हैं आप आंकड़े उठाकर देखिए, 2003 के बाद से कितने मांगे की गई है और कितने स्वीकृत हुए हैं। इसके पूर्व के लिए बात कर रहे हैं, मांग एकाध मेडिकल कॉलेज की तो बता दें, माननीय शिवराज सिंह जी ने अगर 2003 से 2017 तक की हो तो देखिए, मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की स्थिति पहले से ही काफ़ी बुरी रही है। 2005 के पहले मात्र 3 मेडिकल कॉलेज यहाँ प्रदेश में स्वीकृत हुए, 2005 के बाद इनकी संख्या 9 हुई और अब और बढ़ रही है धीरे धीरे। हम इसके लिए किसी भी राजनीतिक दल को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, हम प्रदेश से अपने क्षेत्र के लिए प्रस्ताव बुलवा रहे हैं, जबकि यहाँ से जो निर्वाचित चयनित प्रतिनिधि है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर वो विधानसभा में अपना पक्ष रखे, प्रदेश सरकार के सामने पक्ष रखे, केंद्र को पत्र लिखे। यहाँ के प्रतिनिधियों ने, यहाँ के मंत्रियों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ 5 साल उन्होंने सीट पर बैठ करके मलाई प्रस्ताव राज्य सरकार भेजेगी, कुछ नहीं सरकार नहीं देगी तो हम बोलेंगे केंद्र सरकार ने नहीं दिया तो हम मानने को तैयार। आप प्रस्ताव तो भेजते, प्रस्ताव बनाकर भेजे हैं राज्य सरकार द्वारा, प्रस्ताव हमारे द्वारा बनाया खरगोन मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव हमारी सरकार के समय 2001 में माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री, अरे तो 2001 में गया तो 2001 उसके बाद स्वीकृति किसने प्रदान की, आप ये भी तो देखिए कि केंद्र सरकार आपकी 10 साल केंद्र में सरकार रही, आपने 10 सालों में उसको स्वीकृत क्यों नहीं करवाया। तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि एक ही तो प्रस्ताव गया था। ये आरोप आपके प्रतिनिधि मतलब कांग्रेस पर भी है कि आखिर उन्होंने बनाने के बाद इतने ठंडे बस्ते में क्यों डाला कि वो आज तक लटक रहा है। राज्य सरकार ने उस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई करना, जैसे अभी महेश्वर निरस्त हुआ है, राज्य सरकार ने उस पर कोई MOU नहीं भेजा,
अभी तो गवर्नमेंट इन्हीं की है ना, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। अभी जो प्रस्ताव उन्होंने MOU मांगा था, इन्होंने क्यों नहीं भेजा भाई? चलो ठीक है, हमारे समय में अगर प्रस्ताव गया था तो हमारी गलती हम मान लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने नहीं किया, नहीं किया होगा। पर अभी तो इनकी दोनों तरफ सरकार है ना, ये प्रस्ताव ये, को, ये जो दिग्भ्रमित करने का नहीं, भ्रमित वाली बात नहीं है, जो दिग्भ्रमित करने का काम आपके शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया था, अगर वो महेश्वर की स्वीकृति नहीं करवाते उसको उस समय खरगोन जिला मुख्यालय पर वो स्वीकृत हो जाता तो आज ये MOU की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस तरह वो कॉलेज निरस्त, MOU तो जाता है, MOU तो जाता है, MOU की ना, हाँ तो वही बोल रहा हूँ कि अगर वो ये विडंबना नहीं होती कि वहाँ पर अभी उनको चिकित्सालय बताना पड़ेगा, सारी सुविधाएं बताना पड़ेगी कि हमें मेडिकल कॉलेज के लिए इतनी सुविधाओं की आवश्यकता है, हम वो जब सुविधाएं वहाँ महेश्वर में नहीं बता पा रहे हैं इसके कारण आज वो कॉलेज निरस्त हुआ है। नहीं तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो पहले पहले आज आज की तारीख में विधायक तो वही है ना वहाँ पर, खरगोन जिले में 6 विधायक आपके दल के विधायक विधानसभा में क्यों नहीं ये बात उठा पा रहे? रवि जी, दीपक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, उठाएंगे ये कॉलेज आएगा नहीं विधानसभा में उठा, हम तो कह रहे हैं ना कि हम कॉलेज लेकर आएंगे, पब्लिक बोले, आम जनता बोले, आम जनता के कहने पर ही ये कॉलेज आएगा और आम जनता जो संघर्ष समिति है वो संघर्ष समिति कॉलेज। अगर कांग्रेस के विधायकों को दीपक जी रवि जी तो मैं आपको दोनों को रोकना चाहूंगा, जब हम मेडिकल कॉलेज स्थापना को लेकर राजनीति लोगों पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं या लगते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वो सब अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन संघर्ष समिति इस बार हमारे दोनों यहाँ पर मेहमान उपस्थित हैं, वो राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं लेकिन संघर्ष समिति में वो एक साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जब हम आरोपों की बात करते हैं कि आखिर इन सबके लिए जिम्मेदार कौन, तो स्थिति स्पष्ट होती है कि हमारे वो जनप्रतिनिधि इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। इस जन आंदोलन की रूपरेखा उन्हीं लोगों ने रखी है जिन लोगों ने इस क्षेत्र में प्रतिनिधि होने के बावजूद निष्क्रियता भरा कार्य किया, जिसकी परिणति यह जन आंदोलन है। अगर ये चीज़ें पहले हो जाती वो इस क्षेत्र की दूरदर्शिता या इस बारे में निर्णय लेने की क्षमता रखते तो ये मेडिकल कॉलेज पहले आ चुका होता। जैसे कि मैंने बताया दो बार ये हम खरगोन जिले की जिला मुख्यालय की या खरगोन जिले की जनता की मुट्ठी से छिटक के दूर चले गया। हम इसके लिए राजनीतिक दलों पर आरोप लगा सकते हैं लेकिन अब स्थिति वो नहीं है। अब स्थिति यह है जनता अपना हक मांगने के लिए खुद संघर्ष समिति के रूप में खड़ी है और इस शुरू हो रहा है। इस पे जनप्रतिनिधियों की जो आवाज़ है वो भी ढीली पड़ गई है, उनको भी आम जनता के साथ में ही स्वर से स्वर मिला के बोलना पड़ रहा है। पर निसंदेह ये जो जन आंदोलन खड़ा हो रहा है, एक दृढ़ संकल्प जो खड़ा हो रहा है, इसके सामने जनप्रतिनिधियों को इसका हिस्सा बनना ही पड़ेगा। और हम बार बार यही कह रहे हैं कि केंद्र या राज्य सरकार जो है इनके पास नए प्रस्ताव बना के त्वरित भेजे जाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि बाजी हाथ से छूट जाए और हमें एक लंबा इंतजार और करना पड़े। महेश्वर महेश्वर मेडिकल कॉलेज दीपक जी जैसा आपने बताया कि वो निरस्त हो चुका है, अब वहाँ नए प्रस्ताव की आवश्यकता है। संघर्ष समिति को ये क्या नहीं चाहिए कि फटाफट वो एक प्रस्ताव बनवाए और वो खुद हम लोग निश्चित तौर पर संघर्ष समिति इसके लिए संघर्ष कर रही है और खरगोन शहर की जनता भी अब जागरूक हो चुकी है, अपना अधिकार अब वो अपने हाथों से जाने नहीं देगी और अपने अधिकारों के लिए अगर हमें आंदोलन भी करना पड़ा जो भी करना पड़ेगा हम सड़कों पर उतर कर भी उसके लिए आंदोलन करेंगे और अपना अधिकार लेकर रहेंगे। बहुत ही अच्छी बात है और हम लोग अभी प्रस्ताव के संदर्भ में चर्चा करेंगे, माननीय सांसद जी से भी एक बार मिल करके खुले रूप से चर्चा करना बाकी। तो दीपक जी मेरा ये कहना है कोरोना काल चल रहा है, आम जनता नहीं इकट्ठी हो रही, जैसा आपने बताया कि आपने एक फ्रंट लाइन संघर्ष का प्रतिनिधि मंडल एक बनाया है तो वो लोग जाएं, नई जनप्रतिनिधियों को समय मिल रहा है उनके द्वार पे जाकर के वो करें क्योंकि समय काफ़ी कम है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द एक प्रस्ताव प्रदेश शासन, जैसे कि आपने बताया प्रदेश शासन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री, प्रदेश के चिकित्सा मंत्री सभी के सामने एक एक प्रस्ताव पहुंच जाए ताकि हम लोग उसमें संघर्ष समिति का पक्ष स्पष्ट हो जाए और जनप्रतिनिधियों की जो भूमिका है वो भी सामने आ जाए कि वो सकारात्मक है। मैंने आपको पहले सबसे पहले यही शब्द बोला था कि हम लोग इस तारतम्य में आगे बढ़ते जा रहे हैं, अभी कुछ लोगों से मिलना बाकी भी है, सांसद महोदय भी उसमें है, सांसद महोदय से भी हमारी अलग से मुलाकात होना है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश सर्वप्रथम पहले पायदान पर पहुंचने की स्थिति में आने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रस्ताव
माननीय सांसद महोदय के द्वारा केंद्र सरकार को राज्य सरकार को खरगोन जिला मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने के लिए दिया जाना चाहिए। हम उस पर अभी सांसद जी से चर्चा करेंगे, माननीय प्रभारी मंत्री जी से चर्चा हो चुकी है हमारी, उन्होंने भी कहा है। अभी समिति के कुछ सदस्य हम लोग निरूपित कर रहे हैं कि कौन लोग जो मुख्यमंत्री से हमको समय लेना है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मिलेंगे और उनके सामने भी हमारा प्रस्ताव रखेंगे कि आपको खरगोन को कम से कम चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात देना चाहिए। अभी कुछ 6 या 7 जून में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो सकता है, ऐसी संभावना है हमको कहीं से ज्ञात हुई है। अगर वो यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हम पुरजोर तरीके से अपनी मांग रखेंगे और खरगोन में मेडिकल कॉलेज के लिए हम कटिबद्ध हैं। पूरी समिति सड़क पर, रोड पर, चक्का जाम, आंदोलन जिस प्रकार से सरकार मानेगी उस प्रकार से करने के लिए करेंगे, पूरे तरीके से पूरे शहरवासियों को, जिले वासियों को साथ में लेकर के आंदोलन का स्वरूप बनेगा, ये तय है। बहुत ही अच्छी बात बताई, बहुत ही सार्थक चर्चा रही और जैसा कि आप दोनों यहाँ पर संघर्ष समिति के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए और आप लोगों ने दोनों राजनीतिक दल संघर्ष समिति से जुड़े जो जो भी प्रस्ताव है, आगे की जो रणनीति है उसको लेकर के यहाँ पर आम जनता के सामने, आम दर्शकों के सामने आपने स्पष्ट किया और इस स्थिति को देखते हुए निसंदेह हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले समय में जो खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग है वो पूरी होगी, क्योंकि सभी पक्षों का रुख जो है सकारात्मकता की ओर जा रहा है और हम स्वयं भी चाहेंगे, हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे SW24 न्यूज मध्य प्रदेश के माध्यम से हम सांसद और उन सभी विधायकों के विचार आम जनता तक पहुंचाएं ताकि आम जनता के जो प्रश्न हैं उनको संतुष्टि मिल सके और वो इस विचार को लेकर के आश्वस्त हो सकें कि हमारे सारे प्रतिनिधि हमारी भावनाओं के साथ हैं, जन भावनाओं से जुड़े हैं। हम आज के कार्यक्रम में आने के लिए हम अपने दोनों मेहमानों का आभार व्यक्त करते हैं और आने वाली चर्चाओं में हम और आपको संघर्ष समिति से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को भी बुलाएंगे हम और उनसे जनता से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर वो पूरी दबंगाई से पूछेंगे और हम प्रयास करेंगे कि इस जन आंदोलन को एक बड़ी धार मिले। हम स्वयं भी ये चाहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र के हिसाब से ये लीगल, संवैधानिक पूरी तरह से वाजिब मांग है और ये पूरी होना चाहिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेता